हेलो गाइस, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑपरेटिव बैंक की। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक आप जानते होंगे, जिनको हम सहकारी बैंक भी कहते हैं। अभी फिलहाल में आरबीआई ने एक और कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है। अब वो बैंक अपना कारोबार नहीं चला पाएगी। और आपको जानकर ये बड़ा आश्चर्य लगेगा, 2024 में अब तक मात्र 6 महीने के अंदर आरबीआई ने 7 बैंकों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। मतलब 7 बैंकों का लाइसेंस कैंसिल आरबीआई कर चुकी है अब तक। तो इसलिए काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि कोऑपरेटिव बैंक में क्या हमारे लिए अपना पैसा रखना चाहिए या फिर नहीं, कितना सुरक्षित है कोऑपरेटिव बैंक। तो आज के इस वीडियो में चलिए समझते हैं सारी जानकारी को बिल्कुल डिटेल्स में। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब गाइस, आपको बता दूं, कोऑपरेटिव बैंक कई प्रकार के होते हैं। जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिनको हम शहरी सहकारी बैंक बोलते हैं, और इंडिया में 1400 से प्लस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं अभी। दूसरे होते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जिनको हम जिला केंद्रीय सहकारी बैंक बोलते हैं, और हमारे इंडिया में 350 से प्लस जिला केंद्रीय सहकारी बैंक हैं। इसी प्रकार से स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, जिनको हम राज्य सहकारी बैंक बोलते हैं, और इंडिया में इनकी संख्या 30 से प्लस है। तो सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पाए जाते हैं। अब ये होते तो बैंक ही हैं, जिस प्रकार से आपके प्राइवेट बैंक हैं, पेमेंट बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, उसी प्रकार से ये कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। बट इनमें थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो प्राइवेट या सरकारी या फिर पेमेंट या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनको पूरा का पूरा 100% आरबीआई ऑपरेट करता है। लेकिन जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ये राज्य सहकारी समिति के तहत पंजीकृत होते हैं। आरबीआई इन पर कंट्रोल रखता है, आरबीआई इनका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, और ये बैंक भी आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से काम करते हैं। अभी फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं तो आरबीआई ने बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। अब इस बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना डिपॉजिट नहीं कर सकता है, और ये बैंक अपना आगे कारोबार नहीं चला सकती है। और यही बैंक नहीं है, इसी प्रकार से आरबीआई ने 2024 में अब तक 7 कोऑपरेटिव बैंकों का लाइसेंस कैंसिल किया है। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर आरबीआई इन बैंकों का लाइसेंस कैंसिल क्यों कर रहा है। तो आपको बता दूं कि जिस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं बचती है, तो आरबीआई ग्राहकों के रखे हुए पैसे की सुरक्षा को देखते हुए उस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर देता है। और सबसे बड़ा कारण कोऑपरेटिव बैंकों में भी यही बन रहा है। अभी जो बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है आरबीआई ने, इस बैंक में भी पर्याप्त पूंजी नहीं बची थी बैंक चलाने के लिए, इसलिए आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। तो अब यहां पर बड़ा सवाल यह आता है कि जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ये किस तरीके से अपना बिजनेस करते हैं, जिससे कि इनका प्रॉफिट नहीं बन पाता है और बैंक बंद करने की नौबत आ जाती है। तो आपको बता दूं कि कोऑपरेटिव बैंकों का जो उद्देश्य है, वो प्रॉफिट बनाना नहीं है। इन बैंकों का मेन उद्देश्य होता है जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, जहां पर बड़ी बड़ी बैंकें नहीं पहुंच पाई हैं, उन क्षेत्रों में अपनी सर्विस देना, और जो किसान हैं या जो गरीब व्यक्ति हैं, उन तक अपनी बैंकिंग सर्विस पहुंचाना, उनके लिए ऋण देना और उन लोगों तक बैंकिंग सर्विस पहुंचाना। लेकिन जब कोई व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में लोन मिल जाता है, तो वापस आने की संभावना बहुत कम होती है। क्योंकि बाजार में तो क्या होता है, व्यक्ति को पता है कि मेरा सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, मेरे ऊपर केस हो जाएगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश लोगों को सिविल स्कोर का कोई टेंशन नहीं होता है, तो बहुत सारा लोन इन बैंकों का एनपीए में चला जाता है, नॉन परफॉर्मेंस एसेट में। मतलब उसकी आने की संभावना नहीं है, इसलिए इन बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं बचती है। तो यहां पर आरबीआई इनका लाइसेंस कैंसिल कर देती है। और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की बैंकें होती हैं, तो यहां पर क्या है, इनकी कमाई का साधन कम होता है, क्योंकि इनके पास सर्विस भी कुछ लिमिटेड ही होती है। अब बात आती है कि ये बैंक कितनी सुरक्षित हैं, क्या हमारे लिए इन बैंकों में अपना पैसा रखना चाहिए। देखिए, आपको बता दूं कि भारत में आप किसी भी बैंक में अपना पैसा रखिएगा, आपको DICGC के अकॉर्डिंग 5 लाख रुपए का ही इंश्योरेंस मिलता है। कोई बैंक जब डूबती है या फिर कुछ भी सिचुएशन बनती है, तो DICGC के अकॉर्डिंग आपके लिए उस खाते पर रखे 5 लाख रुपए ही वापस मिलते हैं। तो यहां पर भी बिल्कुल सेम कहानी है, अगर आप यहां पर पैसा रख रहे हैं अपना इन बैंकों में, तो 5 लाख रुपए आपका 100% सुरक्षित रहेगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है किसी भी बैंक पर, तो आप उसमें 5 लाख से ऊपर ना रखें। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, तो आप 2 खाते खोल लीजिएगा, 20 लाख रुपए है तो 4 खाते खोल लीजिएगा, उसको 5-5 लाख रख दीजिएगा। और जहां तक सबसे सुरक्षित बैंक की बात करते हैं, तो आरबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में SBI बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक
इन तीन बैंकों को सबसे सुरक्षित माना गया है। बाकी डीआईसीजीसी के अकॉर्डिंग सारी बैंक सुरक्षित हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये जानकारी के लिए कमेंट करते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।